हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमने पहला क्लास लिया था थ्योरी का। तो थ्योरी में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़े, ठीक है, कि कैसे कैसे कंप्यूटर आया, कौन कौन से कंप्यूटर आया, उसके बारे में हम जाने। फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाने, कौन थे, किस इंजन का आविष्कार किए, तो इन सभी विषयों के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। स्कोर प्लस आप लोग के लिए लगातार मेहनत कर रहा है BHPSCL को लेकर, कि कंप्यूटर क्लास हो या ट्रेड क्लास हो, सभी के लिए इस पे आपको क्लास उपलब्ध है। स्कोर प्लस से जुड़ने के लिए इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको सारे PDF वगैरह उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जितने भी क्लासेज होंगे उसके PDF वगैरह करा दिया जाएगा। चलिए, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप लोग भी अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर दो एक बार कि यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोग को और उनको इन्फॉर्म कीजिए कि BHPSCL का यहाँ पे जबरदस्त तैयारी चल रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का विकास किस किस प्रकार से हुआ। तो उसमें से हमने कुछ बातें कर ली थी, जैसे अबेकस के बारे में। अबेकस जो बना, दुनिया का, संसार का पहला गणना यंत्र बना। अबेकस क्या था? पहला गणना यंत्र बना। ओके, ठीक है। चलो, उसके बाद आधुनिक अबेकस आया। आधुनिक अबेकस का जो आविष्कार किसने किया? आधुनिक अबेकस का आविष्कार टीन क्रेमर ने किया था, क्लियर। दूसरी बात हम किए थे पास्कलाइन को। पास्कलाइन, ये सभी जो थे, पास्कलाइन हो या अबेकस हो या डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ये सभी हैंड ऑपरेटेड थे, ठीक है, इसमें कोई बिजली की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, जो उसके एनालिटिकल इंजन के बाद एक कंप्यूटर आया, Mark I कंप्यूटर। Mark I कंप्यूटर था जो बिजली से चलने वाली कंप्यूटर था, पहला विद्युत चलित यंत्र बना, क्लियर। किसने बनाया था? तो IBM कंपनी के एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? हावर्ड आइकेन, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद दूसरा जो कंप्यूटर आया, उसके बाद इनेक आया, वो भी बिजली से चलने वाली कंप्यूटर था। ये क्या था? पूर्ण डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, पूर्ण डिजिटल कंप्यूटर था। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसमें दो नाम आते हैं, किसका किसका? जेपी एकर्ट और जॉन मुसली, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला जो कंप्यूटर आया था, इडवेक आया था। क्या आया था? इडवेक, क्लियर। तो इडवेक का जो आविष्कार इन्होंने ही किया था। कौन कौन थे? तो जॉन मुसली और जेपी एकर्ट। इसके बाद अगला जो था, अच्छा, इडवेक और इनेक में क्या डिफरेंस था? तो पहले जो था इनेक बना, तो इनेक में स्टोरेज नहीं था, इडवेक में स्टोरेज की व्यवस्था थी, ठीक है।
अगला जो है यूनियक, यूनिवैक, ये आप, ये अगला है 8 नंबर। यूनिएक, तो यूनिएक जो था, यूनिवैक, सॉरी यूनिवैक, इसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोला गया, यूनिवैक। क्या था? यूनिवैक, इसको यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्लियर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको बोलेंगे। ओके, तो यूनिवैक जो था, इसका जो आविष्कार हुआ 1954 ईस्वी में हुआ था। इसका ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर बना जो ट्रेड में शामिल हुआ, ट्रेड। राधे राधे, सभी को राम राम। चलो, जो इसका जो आविष्कार हुआ 1954 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1954 में हुआ। अब ये जो कंप्यूटर था, ये विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर बना। ओके, विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर बना। इसको बनाया किसने, इसको बनाया किसने? ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट था, ये टेबल साइज का था। देखो इस फिगर में उतना क्लियर नहीं है। ये क्या है, ये कुछ इस तरह का एक टेबल था, टेबल में ही पूरा का पूरा सेटअप था। ये स्क्रीन है, इसके इधर उधर सारा इसका मशीन लगा हुआ था। तो ये टेबल के फॉर्मेट में था, टेबल का, टेबल में ही पूरा सेटअप किया हुआ था। तो ये व्यापारी कंप्यूटर था, इसको इधर उधर आप ले जा सकते थे, लेकिन एक स्टेबल जगह पे इसको रख के आप चला सकते थे, लैपटॉप की तरह इसको कैरी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये पहला व्यापारी कंप्यूटर इसीलिए बना क्योंकि आप इसको इधर उधर आप ले जा सकते थे, ये थोड़ा सा जगह में, थोड़ा सा जगह में इसको आप यूज कर सकते थे, थोड़ा सा एक रूम में आप उपलब्ध हो जाता था। जैसे इसके पहले जितने भी कंप्यूटर थे उसका साइज इतना बड़ा था कि उसको आप इंडस्ट्री लेवल पे आप यूज ही नहीं कर पाते थे, जो बनाया वही उसको यूज करता था, ठीक है। इसीलिए तो इसका, इसे जो बनाया जीईसी कंपनी के द्वारा बनाया गया, जी, यह जीई सी कंपनी द्वारा बनाया गया, ठीक है, ये जीई सी कंपनी के द्वारा बनाया गया। अब जीई सी कंपनी का मतलब क्या हुआ, जीई सी का फुल फॉर्म क्या हुआ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। क्या इसका जो फुल फॉर्म हुआ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, जीईसी कंपनी के द्वारा बनाया गया विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर। आप याद रखिएगा, विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन बना, यूनिवैक बना। क्या? यूनिवैक, ये विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर बना, क्लियर है?
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था अभी तक का जितने भी कंप्यूटर थे उसके बारे में। अब इसके बाद हम प्रोसेसर जो आया, नया प्रोसेसर आया, तो कंप्यूटर का साइज घट गया। ठीक है, तो प्रोसेसर, पहला प्रोसेसर कौन आया था आप लोग कमेंट करोगे, पहला प्रोसेसर कौन आया था? प्रोसेसर किसको कहते हैं? तो प्रोसेसर जो, जैसे हम पहले ही डिफिनीशन में बता दिए हैं कि जो प्रोसेस करने का काम करता है, डेटा हम जो फीड करते हैं, डेटा हम देते हैं, तो उसको प्रोसेस करने का जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर, पहला प्रोसेसर क्या बना, कौन सा बना था उसको आप लोग कमेंट करोगे। प्रोसेसर कब आया? तो जो अगला है कितना नंबर? 9 नंबर। प्रोसेसर, जो था ये कब आया? 1970 ईस्वी में आया था, 1970 में बना। ठीक है, 1970 में बना प्रोसेसर। अब ये चीजों को आसान कर दिया, मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर के साइज को भी क्या किया, कॉम्पैक्ट किया, और जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर को आप इधर उधर कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते थे। कंप्यूटर का साइज, एक्चुअली पहले जो कंप्यूटर बनता था तो वो पूरे रूम के साइज को ले लेता था, एक दो रूम के बदले वो कंप्यूटर होता था, तो बहुत बड़ा साइज होता था, तो इसीलिए उसको लोग यूज नहीं कर पाते थे। तो प्रोसेसर जब से आया चीज़ें छोटी होती चली गई। ठीक है, तो इसे किसने बनाया, प्रोसेसर को बनाया किसने? हाँ जी बताओ, प्रोसेसर को बनाया किसने? आप सभी कंप्यूटर यूज करते होगे, तो प्रोसेसर जो आप देखते होगे कंप्यूटर खरीदने से पहले उस पे एक नाम लिखा हुआ रहता है, इंटेल। ठीक है, तो इंटेल कंपनी ने प्रोसेसर को बनाया था, जिसे 1970 में बना, जिसे इंटेल कंपनी ने बनाया। क्लियर, इंटेल कंपनी के द्वारा ये प्रोसेसर बनाया गया था। अभी भी ये इंटेल कंपनी चल ही रही है। पहला जो प्रोसेसर बना था वो कौन था? प्रथम प्रोसेसर C4004 था। ठीक है, 4004 था पहला जो प्रोसेसर था, वो C4004 था। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये आपका प्रोसेसर यहाँ पे खत्म हो गया। अब कंप्यूटर का कुछ वर्गीकरण देख लेंगे, यानी क्लासिफिकेशन देखें कि किस कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सब कैसे कैसे आगे बढ़ा, किसके बेसिस पे ये हम इसको जनरेशन में डिवाइड किए। ठीक है, वर्ग के बेसिस पे क्या होगा इसका क्लासिफिकेशन, और क्या साइज के आधार पे कंप्यूटर का क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो अगला जो हेडिंग हम बनाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगला जो हेडिंग बनाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसी को हम लिखेंगे हिंदी में कंप्यूटर का
का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ये तीन तरह से हम बांटेंगे, ठीक है? कौन कौन से? तीन तरह से हम बांटेंगे कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, माने हार्डवेयर जैसे जैसे कंप्यूटर में नया नया हार्डवेयर बना उसके बेसिस पे हम कंप्यूटर को देखेंगे। दूसरा हम जो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, क्या देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, माने कार्य के आधार पे काम करने की क्षमता के आधार पे हम कंप्यूटर को देखेंगे कि कैसे कैसे ये बना, ठीक है। तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे हम कंप्यूटर को देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले ये तीन क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें हार्डवेयर जैसे जैसे डेवलप हुआ कंप्यूटर में उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन देखेंगे, दूसरा कैसे कैसे काम कर रहा है उसके बेसिस पे हम कंप्यूटर को देखेंगे, और साइज के आधार पे उसका कितना बड़ा साइज बना। जैसे शुरुआत के दिनों में कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े साइज का बना, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते गया, कंप्यूटर का साइज घटते गया, तो उसके आधार पे हम देखेंगे, ठीक है? यहाँ तक मजा आया? तो हार्डवेयर के जो आधार पे कंप्यूटर क्या क्लासिफिकेशन हुआ, तो वो उसमें पांच पीढ़ियाँ आती है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। तो फर्स्ट जनरेशन हम देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकंड जनरेशन, तीसरा थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है? ये पांच पीढ़ियां आई। अब इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि पांचों पीढ़ियां में क्या क्या डिफरेंस था, क्या क्या इसमें चेंजेज आए, वो हम आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क यानी कार्य क्षमता के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, तो तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा था? तीन भागों में बांटा गया। पहला था एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो कंप्यूटर है डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा जो कंप्यूटर है हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपका तीन कंप्यूटर है। जैसे आप सुई सुई वाली घड़ी देखते हो, वो भी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, लेकिन वो एनालॉग है। डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, ये सब जो देखते हो ये यानी डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। हाइब्रिड क्या होता है? जिसमें दोनों होते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। क्लियर है? अगला जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे कौन कौन सा है? तो देखो साइज के आधार पर पहला जो बना मेन फ्रेम,
कंप्यूटर, दूसरा बना मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम मिनी, और कौन सा है माइक्रो, ठीक है क्या माइक्रो। अगला है सुपर कंप्यूटर, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? साथ साथ नोट्स आप लोग बनाते चलो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर के आधार पे कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें पांच पीढ़ियां थी, तो पांचों पीढ़ियां में क्या डिफरेंस था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के आधार पे हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल हम बनाते हैं कुछ ऐसा, एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट में हम लिखेंगे क्या, पीढ़ी यानी जनरेशन, ठीक है? पहला जो है पीढ़ी का है, पांचों पीढ़ियां का हम देखेंगे, क्लियर? उसके बाद हार्डवेयर, कौन कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ, तो दूसरा है हार्डवेयर, ओके, ठीक है? एक मिनट, पहला में हम लिखेंगे पीढ़ी, दूसरा में हम लिखेंगे क्या, हार्डवेयर, ठीक है क्लियर? तीसरा में हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर, क्लियर? उसके बाद मेमोरी, क्लियर? उसके बाद हम लिखेंगे गति, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद गति, इसके बाद हम प्रयोग लिखेंगे, प्रयोग कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट जो जनरेशन था, यानी पीढ़ी को हम जनरेशन ही लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, स्पीड, अब ये यूजेज, अब देखो फर्स्ट जनरेशन यानी फर्स्ट, एक मिनट, पहला हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, ठीक है? फर्स्ट जनरेशन कब से कब आया, तो जो फर्स्ट जनरेशन आया 1942 से, डेट हम लिखेंगे 1942 से 55 तक ये फर्स्ट जनरेशन चला, 1942 से 1955 तक। अब इसमें हार्डवेयर क्या क्या प्रयोग हुआ, तो सबसे पहला हार्डवेयर
जो प्रयोग हुआ वो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में आया, निर्वात ट्यूब, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में आया, ठीक है, इसको निर्वात ट्यूब हिंदी में बोलते हैं। अगला जो था, सॉफ्टवेयर के रूप में हम क्या यूज किए, तो मशीन लैंग्वेज हम यूज किए, क्या मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हम किए। क्लियर है। अब मेमोरी के रूप में हम क्या यूज किए, तो पंच कार्ड, पंच कार्ड क्या होता है, तो आप सभी चिप देखे होंगे, चिप जो पहले फोन में लगता था, आजकल तो वो फोन में भी नहीं लगता है। ओके, तो पंच कार्ड हम मेमोरी के रूप में हम यूज करेंगे। क्लियर। स्पीड जो था, जब शुरुआती दिनों में कंप्यूटर था तो उस समय स्पीड जो था वो मिली सेकेंड था, क्या था, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड था। यानी मिली सेकेंड कहने का मतलब क्या हुआ, तो 1/ मिली सेकेंड कहने का मतलब हुआ क्या, मिली सेकेंड कहने का मतलब हुआ 1/10³ हुआ, ठीक है। तो समझो शुरुआती दिनों में ही कंप्यूटर कितना फास्ट फास्ट कैलकुलेशन कर रहा था, ठीक है। तो शुरुआती दिनों से ही कंप्यूटर अपने स्पीड के लिए जाना जाता है। क्लियर। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए, तो यूनिक आया, इसको हम कहाँ पे प्रयोग किए, इनेक, इडवेक, इडवेक, ठीक है, और यूनिवेक, ये कौन सा, यूनिवेक, ये तीन में प्रयोग हुआ, ठीक है। यानी वैक्यूम ट्यूब जो हार्डवेयर आया, इन तीन कंप्यूटर में उसका प्रयोग किया गया, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जो पीढ़ी आया, सेकेंड जनरेशन, दूसरा है सेकेंड, सेकेंड जनरेशन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कब से कब चला, 1956 से 1964 तक चला, 1956 से 1964 तक ये सेकेंड जनरेशन चला। सेकेंड जनरेशन में क्या आया, ट्रांजिस्टर आया, क्या आया, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर आया सेकेंड जनरेशन में ही, आपका ट्रांजिस्टर आया। इसमें क्या, सॉफ्टवेयर के रूप में क्या प्रयोग हुआ, तो असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। क्लियर। अब इसमें मेमोरी के रूप में क्या प्रयोग हुआ, तो इसमें मेमोरी का, मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप यूज हुआ, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग हुआ। अब इसका जो स्पीड था ये थोड़ा सा बढ़ गया, इसका जो स्पीड हो गया माइक्रोसेकेंड, माइक्रोसेकेंड, इसका मतलब 1/10⁶ हुआ, ठीक है। तो शुरुआती दिनों में समझो कितना स्पीड कंप्यूटर चल रहा था, ठीक है। अब इसका जो प्रयोग हुआ इसका जो प्रयोग हुआ कहाँ, कोबोल, कोबोल एक लैंग्वेज है, कोबोल फोटोन भाषा में प्रयोग हुआ, ये कंप्यूटर की भाषा है कोबोल,
को एंड फोटोन। ये कंप्यूटर की भाषा है। तो इसमें इसका प्रयोग हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड जनरेशन। हम देखेंगे अब थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हम देखेंगे। क्लियर। थर्ड जनरेशन जो था, थर्ड जनरेशन कब से कब तक चला? तो थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 तक चला। कब से? 1965 से 1975 तक, यानी 10 वर्षों तक चला। क्लियर। इसमें क्या डिफरेंस था? तो इसमें देखो वैक्यूम ट्यूब आया हार्डवेयर के रूप में, वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद इसमें आईसी का प्रयोग किया गया। किसका? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। अब इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में क्या प्रयोग किया गया? तो सॉफ्टवेयर के रूप में इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज किया गया। क्या? टाइम शेयरिंग सिस्टम। क्लियर। टाइम शेयरिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। अब बताओ अगला, मेमोरी के रूप में इसमें क्या यूज किया गया? तो मेमोरी के रूप में इसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया। पहले मैग्नेटिक टेप आया इसमें, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब बताओ इसका जो स्पीड था, स्पीड और बढ़ गया। इसका जो स्पीड हो गया नैनो सेकेंड हो गया, नैनो सेकेंड। थर्ड जनरेशन में इसका स्पीड और बढ़ गया, ये 10^9 हो गया। ठीक है, अब इसका प्रयोग देखो, प्रयोग इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया? तो प्रयोग में इसमें क्या क्या प्रयोग में आया? तो इसमें प्रयोग आया कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, माउस, ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट है, इनपुट डिवाइस, इसी जनरेशन में, यानी कौन से? थर्ड जनरेशन में इसका प्रयोग में आया। मॉनिटर, रैम, रोम आया। क्या आया? मॉनिटर, रैम, रोम। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है? जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म अभी याद रखिए, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले जनरेशन की तरफ, यानी चौथा जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या चेंजेज आया वो हम देखते हैं। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो चला वो कब से कब? 1976 से, 1976 से 1900 कब तक? 1990 तक चला। ठीक है, फोर्थ जनरेशन 1976 से 1990 तक चला। अब इसमें क्या चेंजेज आया? तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ये सबसे क्या, इन सभी से फास्ट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इसमें आ गया, हार्डवेयर के रूप में प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इन सभी से फास्ट ये कंप्यूटर चलने लगा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के रूप में क्या प्रयोग हुआ? तो सी लैंग्वेज यूज हुआ।
सी लैंग्वेज यूनिक्स, यूनिक्स ये क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर का भाषा है। सी लैंग्वेज, सी जावा, आप लोग नाम सुने होंगे, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, ये सब कंप्यूटर की भाषा। यूनिक्स, जावा, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। तो इसमें देखो, इसमें सी लैंग्वेज और यूनिक्स का प्रयोग हुआ। इससे पहले क्या प्रयोग हुआ? कोबोल और फोर्टोन, ये प्रयोग हुआ कब? सेकेंड जनरेशन में। अब फोर्थ जनरेशन में सी लैंग्वेज और यूनिक्स का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसमें जो मेमोरी प्रयोग हुआ, इसको क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर सेमीकंडक्टर मेमोरी, ओके। अब इसका जो स्पीड होगा वो बाकी सब कंप्यूटर की तुलना में सबसे ज्यादा, कंप्यूटर की स्पीड था वो पीको सेकेंड में था। क्या था? पीको सेकेंड, 1/10^12, ठीक है। ये काफी ज्यादा स्पीड था, ठीक है। अब इसमें देखो, कंप्यूटर का नेटवर्किंग होना शुरू हो गया। कंप्यूटर का नेटवर्किंग जैसे लैन वैन, ये जितने भी तरह का था, लैन वैन, मेमोरी, विंडोज, एमएस डॉस, इसमें लैन में प्रयोग हुआ, वैन में प्रयोग हुआ, विंडो में प्रयोग हुआ, एमएस डॉस इसमें प्रयोग हुआ, ठीक है। तो ये सभी था फोर्थ जनरेशन में। अब जो पांचवा जनरेशन है वो लास्ट जनरेशन, अभी तक यही जनरेशन अभी तक चल रहा है, ठीक है। यही जनरेशन अभी तक चल रहा है, क्लियर। तो पांचवा जो जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कब से कब आया? कब आया? 1990 से, 1990 से, 1990 से अब तक, क्लियर। 1990 से अब तक अभी पांचवा जनरेशन कंप्यूटर का कौन सा? अभी पूछ दे क्वेश्चन कि अभी कौन सा कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? पांचवा जनरेशन चल रहा है, क्लियर। इसमें हार्डवेयर क्या यूज हुआ? तो इसमें VLSI यूज हुआ, VLS, इसमें VLSI का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब इसके बाद ये सॉफ्टवेयर के रूप में क्या प्रयोग हुआ? तो सॉफ्टवेयर के रूप में मल्टीमीडिया इसमें आ गया, जिसमें आप लोग क्या गाना सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, सारे चीज, सॉरी, हाँ, इसमें मल्टी, इसमें क्या होगा? मल्टीमीटर का प्रयोग, मल्टीमीडिया होगा, सॉरी, मल्टीमीडिया का प्रयोग हुआ, जिसमें आप लोग गाना सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, जितने भी इंटरटेनमेंट का साधन है, इसमें सारा चीज उपलब्ध हो गया, ठीक है। इसमें मेमोरी के रूप में क्या प्रयोग हुआ? तो ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग हुआ, क्लियर। अब इसका जो स्पीड की बात करें, तो स्पीड क्या था? तो 3 GHz से ज्यादा, 3 GHz से ज्यादा, क्लियर, 3 GHz से ज्यादा इसका स्पीड था। अब इसका एग्जाम्पल लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, ये सभी इसका एग्जाम्पल है, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, क्लियर। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, क्या ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, ये पांच जनरेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे ये पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब कौन सा जनरेशन में आया, तो आप बता दोगे फर्स्ट जनरेशन। ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन में आया, सेकंड जनरेशन। आपका आईसी कौन सा जनरेशन में प्रयोग में आया, थर्ड जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया, फोर्थ जनरेशन। अब VLSI का प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ, तो आप लोग बता दीजिएगा, पांचवा जनरेशन, और अभी वही चल रहा है, पांचवा जनरेशन ही चल रहा है, ठीक है। अगर मेमोरी की बात करी तो पंच कार्ड कौन से जनरेशन में प्रयोग हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। मैग्नेटिक टेप कौन सा जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन। मैग्नेटिक डिस्क की बात करेगा तो कौन सा जनरेशन, थर्ड जनरेशन। सेमी कंडक्टर मेमोरी की बात करेगा तो कौन से जनरेशन, सेमी कंडक्टर मेमोरी फोर्थ जनरेशन। ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग कौन सा जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अब ये बताओ, जो आप लोग जो मेमोरी कार्ड जो यूज करते थे, ठीक है, वो कौन सा मेमोरी कार्ड इनमें था। हाँ जी बताओ। तो जो आजकल जो मेमोरी कार्ड जो यूज करते थे छोटा वाला, वो सेमी कंडक्टर मेमोरी था, यानी आप लोग चौथे जनरेशन का मेमोरी कार्ड आप यूज कर रहे थे, क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलो अब हम आगे देखेंगे, जैसे आईसी आया, ठीक है, आईसी आया, ट्रांजिस्टर आया, तो आईसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, क्लियर। ये कब आया, 1958 ईस्वी में ये बना, क्लियर। अब आईसी का जो आविष्कारक किसको माना जाता है, आईसी, तो आईसी जैक किल्वी, जैक किल्वी ने निर्माण किया, जैक किल्वी ने निर्माण किया इसका, क्लियर, ठीक है। अब ये बना हुआ किस मटेरियल से रहता है, तो ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ रहता है, ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है, क्लियर। इसके बाद आया ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के बारे में भी जान लेते हैं। क्या आया, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो आया, तो ट्रांजिस्टर कब आया, 1947 ईस्वी में बना, ठीक है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो इनमें दो नाम आते हैं, इसके निर्माणकर्ता निर्माणकर्ता में आपका दो नाम आता है, कौन कौन सा, विलियम सॉल्वे और सॉरी तीन नाम आते हैं, विलियम सॉल्वे, जॉन वार्डिन और वाल्टर ब्रेटन। विलियम सॉल्वे जॉन वाल्टेन,
और जॉन बार्डिन, सॉरी जॉन बार्डिन, ये क्या होगा, जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन। और एक नाम और है बाल्टर ब्रेटेन, बाल्टर ब्रेटेन, ठीक है। तो ये तीन नाम हैं जिन्होंने ट्रांजिस्टर का निर्माण करा तीनों मिलके। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से किन साइंटिस्ट को ट्रांजिस्टर के खोज के लिए 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। इनमें से कौन थे जिनको ट्रांजिस्टर के खोज के लिए 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया? तो आप नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। नोट करके लिख लो, क्या लिखोगे? नोट करके ये लिखो, जॉन वार्डिन को, जॉन वार्डिन को, जॉन वार्डिन जो ट्रांजिस्टर के खोज किए हैं, जॉन, जॉन वार्डिन, जॉन नहीं, जॉन, जॉन वार्डिन को ट्रांजिस्टर के खोज के लिए खोज के लिए 1956 और 1972, 1956 और 1972 में 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया, दिया गया 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, अगला है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो आया था वो कौन से जनरेशन में आया था? हाँ जी, माइक्रो प्रोसेसर चौथा जनरेशन में आया था। कब आया था? चौथा जनरेशन में आया था माइक्रो प्रोसेसर। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसके जो निर्माणकर्ता थे एम.ई. हॉफ थे, एम.ई. हॉफ, एम.ई. हॉफ इनका नाम था, ठीक है। कुछ क्या है, जैसे कुछ वर्ड हैं उसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। SSI, SSI, SSI का मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। SSI का मतलब क्या होगा? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ओके। ये सब वर्ड आगे यूज होगा इसलिए मैंने अभी बता दिया है ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। इसमें क्या था, इसमें कम आईसी का, आईसी जो प्रयोग हुआ वो कौन से जनरेशन में प्रयोग हुआ? हाँ जी बताओ, आईसी कौन से जनरेशन में प्रयोग हुआ? वो तीसरा जनरेशन में प्रयोग हुआ आईसी। तो इसमें कम आईसी का प्रयोग किया गया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में कम आईसी का प्रयोग हुआ। क्लियर? अगला है, अगला बात करेंगे किसकी, वी एल एस आई, वी एल एस आई,
ये जो है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या था, तो इसमें SSI से ज्यादा ज्यादा IC का प्रयोग हुआ, प्रयोग हुआ। SSI में कम हम IC लगाते हैं, IC का समूह होता है, ठीक है, बहुत सारे IC छोटे छोटे, आप किट खोलोगे तो देखना छोटे छोटे IC बहुत सारे उसमें कंबाइन किया हुआ रहता है। तो VLSI में उसमें भी IC रहता है, लेकिन उससे SSI से ज्यादा इसमें IC का प्रयोग हुआ, ठीक है। अगला है यू एल एस आई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? इसमें क्या हुआ, VLSI से ज्यादा IC का प्रयोग हुआ, इसमें ULSI में VLSI से ज्यादा IC का प्रयोग हुआ। क्लियर, तो अभी जो पांचवा जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर का, यहाँ पे एक वर्ड सुधार लीजिएगा, मैंने इसमें शायद VLSI हम लिखवा दिए हैं, इसको सही कर लीजिएगा, इसमें होगा ULSI, ये क्या होगा, इसमें होगा ULSI का प्रयोग, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसको हम देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ, तो उसमें क्या पूछता है कि पहले कौन आया, क्या उसमें कितना माइक्रोप्रोसेसर यूज हुआ, तो ये सभी चीज पूछता है। तो शॉर्ट में मैं इसको लिखवाता हूं, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको मैं लिखवाता हूं क्या, कि कौन कौन से कंप्यूटर साइज के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर आया, माइक्रो कंप्यूटर आया, मिनी कंप्यूटर आया, मेन फ्रेम और सुपर, ये चार कंप्यूटर आया। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर आया वो माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ क्या आया, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के बाद कौन सा कंप्यूटर आया, तो वो मिनी कंप्यूटर आया, कौन सा, मिनी कंप्यूटर। अब इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, मेन फ्रेम कंप्यूटर आया, तो इसका सीरीज आप याद रखिएगा, मेन फ्रेम, इसके बाद आपको सुपर कंप्यूटर, अब ये चारों में डिफरेंस क्या था, तो सभी में माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा था, लेकिन
लेकिन क्या हो रहा था, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, इसमें इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद जो दूसरा कंप्यूटर बना उसमें कई माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, कई माइक्रो प्रोसेसर को कंबाइन करके एक साथ प्रयोग किया गया। तो इसमें हम लिखेंगे कई माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। क्लियर? इसके बाद जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें क्या चेंजेज हुआ, तो इसमें कई मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। मेन फ्रेम में कई मिनी कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। क्लियर? इसके बाद सुपर कंप्यूटर में क्या हुआ, कई मेन फ्रेम कंप्यूटर का, यानी ये देखो एक माइक्रो प्रोसेसर, इसमें बहुत सारा माइक्रो प्रोसेसर लगा। अब ये क्या किया, मिनी कंप्यूटर को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब ये मेन फ्रेम, इसमें क्या हो गया, कई मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो कुछ तथ्य और हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर जो कंप्यूटर था, तो सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो पहले पहला क्वेश्चन आविष्कारक से, आविष्कारक से, तो आविष्कारक कौन थे? तो आविष्कारक सौ सौ सौम्य थे। ठीक है, सौमेर क्रे। क्लियर है? अब ये बताओ पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? हाँ जी बताओ। तो CDC 6600, इसका नाम क्या था, CDC 66। क्लियर? CDC का फुल फॉर्म, तो कंट्रोल ठीक है, CDC का फुल फॉर्म कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। क्लियर? अब इसका कार्य क्या होता है, काम क्या क्या काम होता है? तो काम होता है डाटा सुरक्षा रखना। जैसे आप इतने सारे डाटा, मतलब जैसे साइट बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो कहीं ना कहीं वो डाटा तो कहीं ना कहीं स्टोर रहता होगा। तो वो स्टोर कहाँ रहता है, सुपर कंप्यूटर में स्टोर रहता है। ठीक है, तो कार्य की बात करें, काम की बात करें, तो कार्य क्या होता है,
डाटा सुरक्षा क्या होता है? डेटा सुरक्षा, सुरक्षित रखना, ठीक है, डेटा को सुरक्षित रखना। उसके बाद और क्या होता है? मौसम भविष्यवाणी के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है। जैसे आजकल आप लोग जान जाते हो पहले ही कि आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है, आपके मोबाइल पे अलर्ट तक आ जाता है कि आज बाहर ना निकले, हद से ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, लू चलने वाली है। तो ये सब भविष्यवाणी कौन करता है? तो ये भविष्यवाणी सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये सभी इसके कार्य हैं। क्या? मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये सभी इसके कार्य हैं, काम हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, बस एक मोटा मोटी पे इतना समझिए। अब ये बताओ, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनता है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? क्वेश्चन, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? हाँ जी बताओ, कमेंट करो। परम 8000, क्या है? परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब ये परम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? परम 8000, तो ये परम किसके द्वारा विकसित किया गया? ये एक्चुअली किसके द्वारा? यूएसए को बोला कि हमें भी एक, भारत ने बोला कि हमें भी एक सुपर कंप्यूटर चाहिए पहला, तो उस समय यूएसए ने मना कर दिया, ठीक है। तो ये सीडेक, सीडेक द्वारा विकसित किया गया, विकसित किया गया, क्लियर। सीडेक क्या है? सीडेक एक कंपनी है, ठीक है, सीडेक एक कंपनी है। सीडेक का फुल फॉर्म तो सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, अब बताओ क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया? परम 8000 जो है वो उस भारत में सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया? तो 1991 में, 1991 में कहाँ? पुणे में लगा था, पुणे में, पुणे में मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया, पुणे में मौसम, मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, तीसरा नंबर जो है क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो इसमें कार्य के आधार पे कितने तरह के हम कंप्यूटर देखे थे? तो कार्य पद्धति के आधार पे आपको तीन तरह का कंप्यूटर देखने को मिला। कौन कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर पहला है, एनालॉग कंप्यूटर पहला है जो क्या करता है, कहाँ पे यूज होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज दाब, लंबाई, लेंथ आदि को मापने में करते हैं। दाब यानी प्रेशर, ठीक है, दाब, लंबाई, तापमान आदि मापने में करते हैं। ठीक है, तो जो अब इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, कौन कौन सा यंत्र होता है जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। तो आजकल आप सभी देखे होंगे थर्मामीटर, दो तरह के थर्मामीटर होता है, एक डिजिटल एक एनालॉग जो पहले से चला आ रहा है पारा वाला, ठीक है, तो वो थर्मामीटर हो गया। थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर हो गया, सुई वाली घड़ी हो गया, सुई वाली घड़ी ईटीसी, ये सभी किस में आ गया? एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अगला जो है, दूसरा जो है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो है ये बाइनरी डिजिट का प्रयोग करता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी बाइनरी डिजिट का प्रयोग करता है। ठीक है, जीरो और वन पे काम करता है। बाइनरी डिजिट क्या होता है? तो बाइनरी डिजिट, अब यहाँ पे ब्रैकेट करके जीरो और वन लिख लेना, ये बाइनरी डिजिट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप इसका लिख सकते हो, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? हाँ जी, एग्जाम्पल क्या होगा? स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ओके, स्मार्ट वॉच, ईटीसी। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अब एक लास्ट रह गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलो, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, क्लियर? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों मिक्स रहता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसको हम बोलेंगे एनालॉग प्लस डिजिटल, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे। इसमें दोनों रहता है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या?
आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ख़त्म हुआ। अगला जो क्लास होगा वो इम्पोर्टेंट क्लास है, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कहाँ पे इसका यूज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ने में आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और स्कोर प्लस से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, स्कोर प्लस से जुड़िए और आपको BHPSCL और अन्य सभी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।